तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं बहुत ही करीब हूँ 100 सब्सक्राइबर्स के, तो यार उसको जल्दी से कंप्लीट कर दो, आई नो आप लोग कर दोगे। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे वीडियो ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में अपडेटेड रखते हैं तो यार किस बात का वेट कर रहे हो, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे आप इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेटेड रह सकते हैं मेरे वीडियोज के थ्रू। और गाइस अगर आप लोग मेरे को कोई न्यूज सबसे पहले भेजते हो तो उसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा मेरी वीडियोस में, तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके मुझे न्यूज सेंड कर सकते हो और साथ ही में अपना नेम भी जरूर से लिख देना, जिससे मैं आप लोगों को क्रेडिट दे सकूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, मैं आपका अपना गुलजार छानी आला। अभी आपने देखा होगा 1 तारीख की एक रैली का मैंने ऐलान कराया था, जिसके अंदर की हम और भी कलाकार आते, मैंने बुलाया था और भी मेरे जो भाईचारा उसने भी बुलाया था, उसका अंदर हम सिर्फ बुजुर्गान ने सुनते, उनकी जो राय है वह लेते और जो अपना पक्ष है वो भी रखते। यो जो बिल है अगर यो हानिकारक है क्यों है, अगर लाभदायक है क्यों है, इन चीजों पे बात करते बुजुर्ग आते, हम कोई उड़दंग कर नहीं जान लग रहे थे और ना किसी पार्टी का वो था, हम सिर्फ हमारे बुजुर्ग आते बात करना चाहते इस बारे में, इस खातर मैंने यह रैली का आयोजन कराया था। तो दूसरा, शुरू में मेरे थी बहुत ज्यादा वो कराया गया कि तू तो दूसरी पार्टी ते पीछे खा के बैठे, इस खातर किसान खातर नहीं बोल रहा, तू क्यों बोल रहेगा भाई, तन तो पार्टी पीछे देने लग रही चुप रहने के। इस खातर मैं बोलिया क्योंकि मैं कलंक नहीं लगाना चाहता, मैंने सर मैं गरीब परिवार तक उठ के कलाकार बनाया हूँ, आज 4 दोस्तों लेकर वैगनार तक शुरू कराया था, आज जाकर बलैरो ली थी और उसकी मैं बताऊंगा, उस पर भी हमला हुआ है, सारी चीज बताऊंगा। तो बहुत गरीब परिवार तक कोई पार्टी आकर या कोई भी आकर व्यक्ति विशेष आकर न्यू नहीं कह सकता कि मैंने गुजारती पीछे दिए या कुछ भी कराया या मुंह से कटा लिया, जिस दिन कह देगा गरीब परिवार तक उठ के अपनी मेहनत अपने टैलेंट के बेस पे हमेशा अपनी इमेज साफ रखा है, कदे किसी कास्ट पे नहीं गाया, कदे किसी भाण बेटी पे मान लियो कदे कोई नंगा नाच नहीं दिखाया, इसे ही गीत बनाए हैं तो परिवार देख सके जिसने। अरे यार रैली भी इसी तरीके से थी, सिर्फ माइता की बुजुर्गों की बात सुनने खातर और अपना पक्ष रखने खातर कि जी हमने यह चीज ठीक लगी या चीज गलत लगी। अगर आपने लग गया कि हम गलत विरोध करने ला रहे हैं बिल का, तो आप क्लेरिफिकेशन दे दो हमने, ताकि हम समझा कि इसमें के खूबी है के कमी है, यह चीज की बात करने जान ला रहे थे हम। उसका बाद अब मैं बोल रहा हूं तो कल मैं दिल्ली जा रहा था, रात ने फोन आया माता जी का कि न्यू घर का बार आवाज आ रही रहा था, 3 बजे की बात है। मैंने आके देखा सर गाड़ी मेरी जो बलेरो है जमा चूरम चूर कर रखी थी, जमा कांच तोड़ रखी, इसके घर पर अटैक हुआ है, सीसीटीवी में आई है, चलो उनका तो मैं रिमांड करवाऊंगा, पकड़ लूंगा उन्हें, मेरा भाईचारा गणाए हैं। पर बात यह है अगर हम बोले हैं तो भी उस चीज का विरोध होया है, अगर हम ना बोला तो भी हमारा विरोध होया है। अगर मैं बोल लिया था इब तो मेरे थी कई तो देशद्रोही का कमेंटा में सर, हमेशा मैंने सोशल वर्क पर गाया है, चाहे कन्या हो चाहे मेडल हो, हर बार सेफ जोन में भी, इवन जब मोदी जी का वो लॉकडाउन के लिए डिसीजन आया था तब भी मैंने सपोर्ट कराया कि मास्क लगाओ सैनिटाइजर लगाओ, हर चीज का हमेशा सोशली मैंने सपोर्ट कराया है। और बाकी मैं किसी बीजेपी किसी कांग्रेस किसी का नहीं सपोर्ट नहीं करता, जो जाए तो लागू उसका सपोर्ट करूं हूं। उसके बाद ये हमला हुआ है, ये मैंने न्यू नहीं समझ आना रही सर, परिवार सदमे में है, डर रहा है, मन भी बार जानते और इन चीज जानता न्यू कहा है कि बेटा दोबारा ना जाइए, हमने डर लगा है। ये सर मैं हफ्ता में 5 दिन बाहर न रहू हूँ, ये फैमिली करने रहे, मेरी 5वीं क्लास में मेरी बहन पढ़े है 12 साल की छोटी सी, माँ बाप है करने, ये मैं के उम्मीद पर बाहर ना जाऊं कि मेरा परिवार करने सेफ है, आप मैंने इस चीज का जवाब दो। अगर हम बोलना तो भी हमारा विरोध हुआ है, ना बोलना तो भी विरोध हुआ है, जबकि हम ना किसी पार्टी ने रिप्रेजेंट करते ना कुछ, सिर्फ कलाकार असर मनोरंजन करा, हाँ जनता हमारे सपोर्ट चाहते थी हमने दिया, हम अपना पक्ष रखना चाहते थे, मगर वह भी चीज है उसमें भी हमारा विरोध हुआ है, हम सर ना इन्हें बोल सकते ना चुप रह सकते और ना बोल सकते, दोनों का नहीं फंस गए। तो मेरे भाइयों मन तो हम भाईचारा में कड़े बुला लियो, राजनीति तो अलग और इन पार्टियां तो अलग, कोई भी मुद्दा हो भाईचारा में खड़े ही बुला लियो, किसी भाण बेटी ने खड़े किसी गरीब परिवार में ब्याह की खड़े पीछे पीछे दे लगी जरूरत हो गुलजार खड़ा पाओगा, पर इस राजनीति तो भाई मेरे डर लग गया, मैंने मेरे परिवार में बात आई है,
परिवार में बात सर आ जाने हर एक इंसान डर जाए है। मेरा कुछ हो मैंने फर्क नहीं पड़ता देला, पर मैंने मेरे परिवार का डर लागे है। और यो जो काम करका गया उसने भी एक बात कहूंगा, अगली बार आवे ना मेरा माथा मार कर जाइए। हर आदमी अपनी जेब गर्म करने में लगा हुआ है। हर आदमी ये सोचता है मैं आ गया, मेरा चैनल थोड़ा सा हिट हो गया, मेरी वीडियो वायरल हो गई, अब मैं नोट छापूं। मेरे पर मतलब मेरे हाथ में तो नोट छापने की मशीन लग गई है, अब मुझे क्या मतलब यार घंटा, मेरे घंटे पे यार मुझे क्या मतलब हिंदी लैंग्वेज से, हिंदू माइथोलॉजी से। मेरी तरफ से तो कोई भी गेम आए, जीटे का नया पार्ट आ जाए, उस पर मैं मोड़ मोड़ की वीडियो बना बना के अपने पैसे छापता रहूंगा। पबजी बैन हो गई तो कोई बात नहीं, पबजी की जगह कोई और मसाला मिल जाए उसकी वीडियो बना बना के पैसा छापता रहूंगा। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो गया, अब ये पूरी इंडियन जो गेमिंग इंडस्ट्री है हमारी या हमारी जो इंडियन गेमिंग यूट्यूबर है, मैं तो साफ खुला मुंह पर बोल रहा हूँ, सारे के सारे एक नंबर के भ्रष्ट हो चुके हैं। किसी को भी मतलब नहीं है इस बात से कि हमारी गेमिंग इंडस्ट्री का होगा क्या या हमारे इंडियन गेमिंग कल्चर का होगा क्या। आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दूंगा, आप लोगों को लगेगी तो बुरी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं राहुल भाई अब ऐसा नहीं है यार, कल्चर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अभी पबजी के बाद से तो बहुत इंडिया में गेमिंग कल्चर बढ़ा है। कहें का घंटे का बढ़ा है कि गेमिंग कल्चर है? अबे भाई वो पबजी का बड़ा है, पबजी साउथ कोरिया की कंपनी है या चाइनीज का, जो भी उसका आपस में साठ गांठ है, इन लोगों ने पैसे छाप लिए, हमें क्या मिला है बाबा जी का टुल्लू, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा भाई। हमारे यहाँ तो जो लोग रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए, जो पढ़ाई वाले थे वो भी नालायक हो गए। हमारे यहाँ तो सारे नेगेटिव ही हुआ है, पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ। जो कुछ बड़े यूट्यूबर बन गए हैं गिने चुने 50 100 200 500 हजार लोग, उन्होंने अपने घर भर लिए, उन्होंने किसकी मदद कर दी भाई? पबजी खेलकर अगर उन्हें सुपर चैट आ गई लाखों रुपए की, किसका घर भर दिया, उन्होंने क्या डोनेट कर दिया? अगर कैरी जैसा बंदा जो रोज के लाखों रुपए सुपर चैट से कमा रहा हो और कभी कभी उसने महीने दो महीने में तीन महीने में अगर बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई डोनेशन वाली सुपर चैट वाला कर भी दिया कि मैं आज ये सारी लाइव स्ट्रीम की जितनी भी सुपर चैट आएगी उन्हें डोनेट करूंगा, तो कौन सा पहाड़ उखाड़ दिया भाई, कौन सा कुछ कर दिया भाई किसी के लिए? आपको क्या लगता है जितने भी मूवी माफिया और जिनके खिलाफ आप और हम जंग लड़ रहे हैं, आज कंगना रनौत के साथ पूरा देश खड़ा है और ये नेपोटिज्म के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, क्या सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और ये जितने भी लोग हैं, करण जौहर, क्या ये लोग डोनेट नहीं करते, ये लोग डोनेशन नहीं करते, क्या इन लोगों के एनजीओ नहीं चल रहे? सब चल रहा है भाई, अपने हिसाब से सब इंसान धर्म कर्म करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो मर्डर कर दे और उसके बाद करोड़ों रुपए दान कर दे तो उसका वो मर्डर जायज हो जाएगा। तो मुझे तो यहाँ पर साफ साफ यही दिखाई देता है कि पहले लोगों के करोड़ों रुपए लूट लो, लाखों रुपए लूट लो और उसके बाद थोड़ा सा दान कर दो, हम बन गए मसीहा, हम बन गए कुछ बढ़िया, हम देखो जी कितने बढ़िया आदमी है, ये सब दिखावा है, टोटल दिखावा। तुम गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हो, जिससे तुम पैसा कमा रहे हो, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, उसका इंडिया में कल्चर बढ़ाने के लिए तुम कर क्या रहे हो? मुझे एक भी यूट्यूबर बता दे, मैं देखो जी कर रहा हूं। जो भी यूट्यूबर देखो या तो पबजी पे चिपका पड़ा है या जीटे पे चिपका पड़ा है या माइनक्राफ्ट पे चिपका पड़ा है, ये चार पांच ही गेम रह गए। अब मैं देख रहा हूं एक नया चावल आया मैदान में जो फॉल गाइस ही खेलता रहता है, भाई साहब आज मेरे 70 मैच जीत लिए, आज मेरे 80 हो गए, आज मेरे 90 क्राउन हो गए, तो मैं क्या करूं, क्राउन पे सर को लेके नाच अपने? अबे मैं क्या करूं उस क्राउन का भाई, तू जीत रहा है तो तू जीत रहा, जीतता रहे भाई। कहने का मतलब ये है, ठीक है फॉल गाइस हमने भी खेली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नई गेम जो आ रही है उसे दरकिनार कर दें या कैंपेन गेम्स के बारे में सोचना बंद कर दें यार, ये चीज मतलब मेरे हिसाब से। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन एज वेल गाइस।